हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? तो मैं आ गई थी घर से अपने, और मैं अभी ससुराल में हूँ। तो मैं वहाँ से 4 तारीख में आ गई थी, क्योंकि जो मेरे ससुर जी है ना, उनकी तबीयत ख़राब हो रखी थी। वैसे तो काफ़ी दिनों से हो रखी थी उनकी तबीयत ख़राब, लेकिन अब आके कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। तो मैं 4 तारीख को आ गई थी वहाँ से, और 10 तारीख को वो एक्सपायर हो गए थे। तो मैंने कोई वीडियो भी नहीं डाली, क्योंकि मन भी नहीं था मेरा इस वजह से ना। तो आज मैं वीडियो डाल रही हूँ, और बस मैं अपना मॉर्निंग रूटीन हो गया मेरा शुरू, ठीक है। और मेरा क्यूट सा बेबी इधर सो रहा है, यहाँ पर कहाँ पर सो रहा है, ये सो रहा है इधर। पागल लड़की रात भर रोई, देखिए हम ना यहीं पे सोते हैं चार पाई पर। अंदर इतनी गर्मी लगती है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, और अगर कूलर चलाएं तो ठंडा लगता है। इस वजह से यहाँ पे सो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से पंखे से काम चल जाते हैं, जो फैन है ना। तो अब मेरा मॉर्निंग रूटीन शुरू हो चुका है, और अब मैं बनाऊँगी चाहे। मेरा क्यूट सा बेबी तो अभी सो ही रहा है, क्योंकि रात भर जागी है, पता नहीं ये ना रो रही। अभी मैं पी रही हूँ चाय, और ये कप बड़ा है, लेकिन चाय इसमें थोड़ी सी है। कभी ये सोचा भर के चाय, मतलब पूरा कप भर के पी रही है, तो इसमें थोड़ी सी चाय है, देखिए। ठीक है, आप लोग भी पी लीजिए। और देखिए इसमें हमारी फ़ोटो है, ये हमारी शादी की नहीं है, ये उसकी है। किसकी है फ़ोटो, कब की है फ़ोटो? भाई सगाई की फ़ोटो है हमारी। तो वैसे तो मेरे को पता था कि कब की फ़ोटो, लेकिन फिर भी मैं उनसे पूछना चाह रही थी। मैंने कहा ध्यान भी है या नहीं है, तो खैर उनके ध्यान था, तो इसलिए तो मैं ऐसे ही मजाक में पूछ रही थी। मैंने कहा कब की फ़ोटो, कभी भूल जाए। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ तड़का, दाल मैंने बना दी है, तो बस अभी मैं दाल में तड़का लगा दूँगी, क्योंकि आज नाश्ता नहीं, सिर्फ मैंने डायरेक्ट खाना ही बना दिया, क्योंकि 10-11 का टाइम हो रहा था, तो इस वजह से मैंने खाने बना दिया। आज नाश्ता नहीं बनाया है, तो अभी बस मैंने तड़का लगाऊंगी दाल में। तो अभी मैंने प्याज डाल दिए हैं, और जीरा डाला है, और तेल बस यही है, और बस टमाटर डाल दूंगी इसमें, तो ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ। और ये ना देसी घर के टमाटर हैं, जो हरे हरे से होते हैं, बहुत इन्हें डाल के ना सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है, क्योंकि जो घर के टमाटर होते हैं उनके अब तो स्वाद ही अलग होता है। तो ये घर के टमाटर हैं, वहाँ पे हमने बो रखे थे खेत में, तो ये मैं हम वहाँ से लाए थे। तो ये देखिए, और इनके ना जो खट्टा खट्टा होता है, तो सब्ज़ी में अलग ही टेस्ट आ जाता है जो घर के टमाटर होते हैं उनसे ना। तो ये यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर डाला है, और बस ज़्यादा तो नहीं मसाले डाले, बस मिर्ची डाल दी, और बस धनिया, और बस ये सामान डाला है मैंने। बाकी तो जो डालने वाला था मैंने पहले ही जब सीटी लगी थी तब डाल दिया था दाल में, लेकिन फ़िलहाल तो बस ये नॉर्मली मसाले डाल रहा है मैंने, मिर्ची और बस धनिया पाउडर, बस और कुछ नहीं डाला है। तो बस अभी मैं लगा दूँगी तड़का। तो ये देखिए, और ये ना दाल थोड़ी कच्ची रह गई है, तो इसमें ना एक दो अभी सीटी लगेगी। तो यहाँ पर मैं पानी गर्म कर रही हूँ, क्योंकि ठंडा पानी डालूंगी तो फिर अलग ही हो जाएगा, उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो मैं गर्म करके डालूंगी, गर्म करके पानी अच्छा रहता है, गर्म पानी, क्योंकि सब्जी भी अभी गर्म हो रही है, और देखिए थोड़ी अभी कच्ची है, तो इसमें फिर से सीटी लगवा दूंगी एक दो ना, तो जब जाके ठीक हो जाएगी, क्योंकि अभी सही से गली नहीं है ये दाल। गर्म मैंने फ्राईदान भी इसी में मैंने तड़का लगाया था, तो मैंने उसी में एक पानी का गिलास डाल दिया था थोड़ा सा। तो इसमें जब तक थोड़ा ये गर्म नहीं होने का, तो ये देखिए गर्म हो चुका था, तो और अब मैं इसी में डाल दूँगी ये देखिए। तो अब अच्छा रहता है, ठंडा पानी नहीं डालते हैं अगर हम पूरी सब्जी बनाते हैं, तो ठंडा पानी अच्छा नहीं रहता, गर्म करके डालने। तो ये देखिए थोड़ा कच्चा है ये दाल, तो भी मैं इसे बंद करके और फिर से सीटी लगवा दूँगी एक दो, तभी हो जाएगी अच्छे से, क्योंकि अभी अच्छी पूरी नहीं हुई, और सामान वैसा हो रखा है। तो जब मैं सफाई करूँगी तो बाद में सब एक साथ ही करूँगी। तो अभी बस मैं बर्तन साफ़ कर रही थी, और मैंने चावल भी बना दिए थे, रोटी तो मैंने पहले ही बना दी थी, और बस अब मैं बर्तनों की सफाई कर रही हूँ, क्योंकि फिर मेरा जो सफाई
और ही शायद कुछ बोल रहा था, कुछ बेचने वाला, तो वो भी इसी में रिकॉर्डिंग हो गई है, तो क्योंकि मैं एडिटिंग कर रही थी। तो अभी बस मेरा ये काम सफाई का रहेगा, बाकी मेरा सारा काम हो चुका है। तो बस अभी मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ और बाद में पूरी रसोई साफ़ कर दूँगी, जहाँ पे खाना वाना बनाते हैं तो वो भी साफ़ कर दूँगी मैं, क्योंकि फिर बाद में पोछा लगा दूँगी, क्योंकि अगर हम पहले यहाँ से साफ़ कर दूँगी तो फिर बाद में यहाँ पे नीचे गंदा रहता है, तो इस वजह से पहले मैं स्लीप वगैरह सब साफ़ कर दूँगी। तो भी मैं गैस साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि फिर मैं लास्ट में ही करती हूँ, और वैसे सभी बाद में ही करते हैं खाना वगैरह सब कुछ कंप्लीट होने के बाद। और जो ही मैंने बर्तन धुले थे वो सूख चुके थे, तो मैंने ऊपर सले पर उनको भी रख दिए हैं, और अभी मैं ये गैस की सफाई कर रही हूँ बस, तो क्योंकि फिर मैं लगाऊंगी बाद में पोछा। तो अभी बस ये मेरी रसोई तो होगी क्लीन पूरी, तो ये देखिए पूरी क्लीन हो चुकी है। अब मैं दूसरा काम करूँगी, तो अच्छे से मैं स्लेब साफ़ कर दिए हैं, और ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पे मैं पी रही हूँ लस्सी, क्योंकि मैंने सुबह से नाश्ता नहीं किया था, तो इस वजह से भूख लग गई थी, तो मैं अभी लस्सी पी रही हूँ, क्योंकि गांव में लस्सी बहुत है यहाँ पर, और अच्छा भी रहता है गर्मियों के दिनों में लस्सी पीना, तो इस वजह से। और ये देखिए ये हरलीन मुझे बहुत परेशान करती है जब मैं पोछा वगैरह लगाती हूँ, और ये मैंने एक डंडा है, डंडे से उस पर वो बना रखी है मैंने वैसा वाला पोछा, यूट्यूब पे देख के बनाया था, तो इससे थोड़ा जल्दी लग जाता है पोछा। ये देखिए इससे इतनी जल्दी लगता है, बहुत ज़्यादा जल्दी लग जाता है इससे पोछा, तो मैं इसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। वैसे कभी कभी मैं हाथ से भी लगा देती हूँ तो इससे, लेकिन जल्दी लग जाता है थोड़ा। और अभी मैंने हरलीन को नहीं नहलाया है, उसे मैं बाद में नहला दूँगी। तो और ये देखिए यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ प्रेस, क्योंकि प्रेस के भी बहुत सारे कपड़े हो रखे थे, तो इस वजह से तो मैंने सोचा अभी भी नहीं नहलाया है मैंने हरलीन को, मैंने क्योंकि अभी वो खेल रही थी, और जैसे ही वो खेलना बंद कर देगी, रोने लगेगी, तब मैं उसको नहला दूँगी, क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ है। अगर मैंने उसे अभी नहला दिया तो वो फिर तुरंत सो जाती है, फिर उसका टाइम सोने का गलत हो जाता है, क्योंकि 11 का टाइम हो चुका था, तो अभी फिर वो सो जाएगी, फिर दोपहर में नहीं सोती है, इस वजह से मैं उसको 12 बजे के 12:30 बजे के बाद सुलाती हूँ ज़्यादातर, लेकिन कभी कभी अगर सो जाती तो फिर रात में बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है, तो इस वजह से मैंने अभी उसे नहीं नहलाया, क्योंकि जब नहलाऊँगी तो वो सो जाएगी, तो मैं इसके बाद उसे नहला के सुला दूँगी, क्योंकि मेरे कपड़ों की प्रेस ख़त्म हो चुकी है सब, तो कपड़ों को ये देखिए सो गई। मैंने अपने बेबी को नहला दिया था और सुला भी दिया है, अब मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है, जो दोपहर का होता है वो मेरा सारा काम ख़त्म होगा, और अब मैं भी खाना खाऊंगी और बाद में थोड़ा सा आराम करूँ, क्योंकि सुबह से मैं काम ही काम कर रही हूँ। और ये तो खैर सो गई है, तो भी बाद में उठेगी तो इसे देख करना पड़ेगा किस टाइम उठती, वैसे इसके कोई टाइम नहीं होता है उठने का, तो मैं खाऊंगी खाना। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।